माशाल्लाह क्या डिश है जो बन चुकी है और वाह वाह डिश है, और डिश का नाम है महलाबिया। महलाबिया, और अब हम मजीद इसको किस तरीके से इसको मतलब डेकोर करेंगे तो बताएं जी, बताएं। अच्छा, इसमें मैंने कैरमल क्रंच को डाला है, ठीक है। इस तरह से मैंने बाउल में भी डाला है कि कलर सा इसमें, क्योंकि ये वाइट है तो इसलिए साइड्स में डाला है, और देन हमने इसे ऊपर क्रंच डाला है, और इतना यमी ये डेजर्ट होगा ना, अभी चखेंगे ना थोड़ा बिल्कुल। और अच्छा, साथ साथ मैं पिस्ते चॉप कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये इस तरह से मैं पिस्ते चॉप कर रही हूँ, और ये पिस्ते चॉप करके हम इसमें वो भी डालेंगे, क्योंकि जो अरबी अरबिक में जो बनता है वहाँ जो ये बनती है अरबिक डिश, तो उसमें जो है वो नट्स में सिर्फ इसमें पिस्ते ऐड करते हैं, ओके। बादाम वगैरह ऐड नहीं होते, तो ओनली पिस्ते ऐड होते हैं इसमें, तो यहाँ मैं ये पिस्ते इसमें ऐड करूँगी। और हम कोई भी फ्लेवर देते ना इसमें, लास्ट में हमें ये ऐड करने पड़ते हैं, इसको हमें डिश को तो कम्प्लीट करना है ना, तो इसलिए। और ये मीठे को मीठा समझ के प्लीज़ खाइएगा, ये थोड़ा मीठा जो होता है वो इट्स मीन के आप एक छोटी सी उसमें थोड़े से लेंगे ना, और बहुत ज्यादा मिक्दार बहुत ज्यादा क्वांटिटी मीठा ना खाएं, जो आपके लिए आगे आप मीठा खाएं जरूर खाएं, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है ना आप थोड़ी रखें। मैं कभी नहीं कहती चाहे शुगर पेशेंट भी स्किप ना करें अपने अंदर कोई मिठास को, लेकिन उसको इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ना खाएं कि वो आपके लिए कोई भी चीज़ हो उसकी एक एतदाल रखें। यस, जबरदस्त, ओके, गुड हो गया। ये हमारे नट्स इसके अंदर हमने गुड गार्निश कर दिए, yes. और बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं ये महलाबिया के साथ, yes. महलाबिया को हमने कैरमल क्रंच का जो है वो टेक्सचर दिया है, आप इसमें डिफरेंट टेक्सचर्स दे सकते हैं, और इसको प्लेन भी खा सकते हैं। डन हो गया, तो ये हो गया हमारा, yes. महलाबिया डिश इज रेडी, मीठा, और बकरा ईद पे आप इसे बनाएं और खाएं और इंजॉय करें जी। थैंक यू सो मच, वेलकम, थैंक यू शेफ। और शेफ शाहिना सुमाइल ने ज़बरदस्त आज मीठा बनाया, और यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलती हूँ ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सर्विस के साथ।